नमस्कार दर्शकों, मैं तनुष्का, स्वागत है आपका जोहार लाइफ में। आज हम एक बार फिर बाहर निकले हैं लोगों से उनकी राय जानने के लिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर के रांची वासियों के मन में क्या है, किसे वोट देना चाहेगी रांची की जनता और किससे असंतुष्ट है इस बार, और साथ ही वोट देने को लेकर के क्या विचार है। हर वर्ग के लोगों से आइए बात करते हैं, जानते हैं उनके मन में क्या है। अभी देखिए, जनता के ऊपर है सिंबल की लड़ाई है, ठीक है, और सिंबल की लड़ाई में जो जनता के बीच पर रहा है उसी को वोट मिलेगा। यहाँ तो पब्लिक तो अभी सब जागरूक हो गया है, पब्लिक के ऊपर ही सब बैठे, यही सिंबल की लड़ाई है, बस सिंबल में ही होगा। अब व्यक्तिगत पैट पर देखिए, अब जो आएगा उसी में देखेंगे हम लोग, जो होता है उसी में करेंगे। वर्तमान की सरकार ठीक ही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, राज्य सरकार तो ठीक ही काम कर रहे हैं, केंद्र भी ठीक है, केंद्र अपना जगह भी ठीक कर रहे काम। इस बार तो एक लास्ट चांस बीजेपी को और मिलना चाहिए। जैसे देखिए, अभी इंडिया ग्रीन एनर्जी में थोड़ा बढ़ते जा रहा है, जैसे आज देखिए हम लोग 15% एनर्जी, ये आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सोलर एनर्जी या आपको विंड एनर्जी से मिल रहा है, तो 15% हुआ, जो कि हमारा अमेरिका और चाइना से भी ज़्यादा है आपका। उसके बाद आपको और भी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है कि आप जितना जल्दी जल्दी ये क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ईवीज़ ज़्यादा बिक रहे हैं, तो ईवीज़ ज़्यादा बिक रहे हैं तो साथ साथ वो ईवी ग्रीन तभी होंगे जब वो सोलर पैनल या विंड मिल से चार्ज होंगे। फिर आपको मतलब कि क्लीनिनेस भी अब चाहिए, तो क्लीनिनेस का मतलब ये नहीं है कि कचरा एक जमा कर दिए और बस वो हो गया। क्लीनिनेस का मतलब हुआ सेग्रीगेशन, प्लास्टिक अलग चला जाए और ये आपका प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर आपका जैसे देखिए, अभी हम लोग का कल ही का न्यूज़ है, 2.6 बिलियन $ का हम लोग का डिफेंस ट्रेड, मतलब कि मतलब हम लोग को डिफेंस इक्विपमेंट हम लोग ये आपको एक्सपोर्ट किए हैं, तो ये सब बढ़ा है तभी ना, मतलब आपका ये हो रहा है। बहुत चीज़ में मतलब डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन बहुत चीज़ और करना भी है। चुनाव तो एक पार्टी को नहीं मिलना है, मिक्स चुनाव होगा, कुछ भाजपा को भी, लेकिन भाजपा को थोड़ा ज़्यादा मिलना है, और अदर पार्टी मिलकर करेंगे तो हम समझते हैं कि अदर पार्टी 40% और भाजपा का 60%। हमें आशा यही है, जैसा यह वातावरण को देखते हुए मुझे समझ में आ रहा है। मैं तो भाजपा का समर्थक हूँ, भाजपा का समर्थक जी। विकास ऐसे देखने को मिल रहा है कि विकास कार्य तो हो रहा है, लेकिन झारखंड में वैसा विकास नहीं हो पा रहा है। तो अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है उसको कि मतलब क्या होने वाला है, किसे वोट देंगे आप? नरेंद्र मोदी को, उसके अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ताकतवर की बात नहीं है, उतना योग्य उम्मीदवार नहीं है। योग्य नहीं है? नहीं, सब स्वार्थी है, सब जमा कर लेता है, बोरा में भर लेता है, उससे भी नहीं होता है तो संदूक में भरता है, ट्रंक में भरता है, उससे भी नहीं होता है तो धरती के नीचे गाड़ देता है। अभी अभी धीरज साहू के यहाँ पकड़ाया ना 300 कुछ करोड़ रुपया, बैंक वाला का मशीन खराब हो गया उस रुपया को काउंटिंग में, तो इससे ज़्यादा और प्रमाण क्या चाहिए। लाखों लाख का जिस घर में जिस टाइम अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, उस टाइम ये जो अपना ईमानदारी का छवि जो पेश किया, उस टाइम लगता था कि अरविंद केजरीवाल कितना ईमानदार आदमी है। क्या यही ईमानदारी है उसका कि साला लाखों लाख रुपया के घर में पर्दा लगवा लिया, मुख्यमंत्री होने का नायज फायदा उठाया ना, तो सामान्य जन उससे क्या उम्मीद रख सकता है। धक्के चल रहा है, दो जगह सरकार है उसका अलग बात, सरकार तो राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री बन गई थी, तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री बन गया, 8वां फेल, तो ये सब तो बात है, तो होते ही रहता है, होते रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। टाइम जो चौमिन लाई प्रधानमंत्री था भारत का, उसको ला के जवाहरलाल झूला झुलाया, यही तो किया ना। इंदिरा गांधी अपने बेटा के लिए सुरक्षित रखा था, उसका सरकार भी बना, सरकार बनने से क्या हुआ, चल तो पाया नहीं, दोनों अपने अपने रास्ते से किनारे हो गया।